हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन देख रहे थे महल। महल में आज अपन देखेंगे बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर सबसे पहले आ रहा है राय मलोत कल्ला का थड़ा। ठीक है, तो एक्चुअली देखो ये नाम दो हैं, राय मलोत एंड कल्ला। तो राय मलोत तो जो है इनके पिताजी का नाम है, फादर रही है, और ये कल्ला जी ये बेटे हैं सन। ठीक है, एस्पोर्ट सन, इनको वीर कल्ला जी भी बोलते हैं अपन। तो वीर कल्ला जी कैसे, आपको सिवाना का अपने दुर्ग पढ़ा था, दो साके पढ़े थे, उसमें दूसरा साका पढ़ा था अपन 1587 में। ठीक है, अकबर के सेनापति के रूप में मोटा राजा उदय सिंह ने हमला किया था सिवाना पे, और उस समय जो शासक थे ये कौन थे अपने सिवाना के, ये वीर कल्ला जी। तो एक तो क्या चीज देखो ध्यान में रखनी, ये वो कल्ला जी नहीं है, कौन से, वो चार हाथ वाले लोक देवता। ठीक है ना, उनका संबंध मेड़ता से है। ठीक है, वो वीर कल्ला राठौड़ या मेड़तिया। ठीक है, जयमल मेड़तिया जी को जिन्होंने कंधे पे उठा रखा था, ठीक है, अपने ताऊ जी को, तो वो अलग है और ये वीर कल्ला अलग है। ठीक है ना, तो वीर कल्ला क्या है एक्चुअली, जैसे अपन मारवाड़ में जैसे देखते हैं, तो यह नीचे मैंने लगा रखी है, देखो ये देखो यहाँ पे कि मारवाड़ में अपन देखते हैं मालदेव। ठीक है, मालदेव के तीन बेटे, एक दो तीन। ठीक है, चंद्रसेन, उदय सिंह एंड तीसरे थे रायमल। ठीक है ना, रायमल कई जगह इसका नाम राम भी लिखा हुआ है ना, तो वो ये की गलती से लिखा हुआ, बाकी नाम है रायमल। ठीक है, रायमल के जो बेटे थे नीचे, ये है रायमलोत कल्ला जिनकी अपन ये बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी वहां पे आएंगे, एक बार इसको देख लेते हैं। तो रायमलोत कल्ला पहले आप समझ गए कौन है, रायमलोत कल्ला बोल दो चाहे वीर कल्ला जी बोल दो, बात एक ही है। ठीक है ना, और इसमें भी आप पीछे भी जैसे भाई मारवाड़ के थे, बाड़मेर वो मारवाड़ के बाहर गए, तो उसमें राठौड़ भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वीर कल्ला राठौड़ लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यूं है वीर कल्ला जी राठौड़। ठीक है ना, लेकिन ये वो वीर कल्ला नहीं है, वो इतना अपन को समझना है जो मेड़ता से थे, नागौर से। ठीक है ना, वो अलग है। ओके, ये अलग है, ये सिवाना बाड़मेर से हैं, और वो जो कल्ला जी चार हाथ वाले लोक देवता जो है शेषनाग का अवतार, वो अलग है। वो भी हुए शहीद, वो चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में हुए थे 1567 के अंदर, इनसे सीनियर है भाई। ये तो 1587 में हुए, अभी देखेंगे अपन सिवाना के दूसरे साके में ये वाले तो शहीद सिवाना वाले तो, और अपने मेड़ता वाले जो है वो 1567 में 20 साल पहले ही चित्तौड़गढ़ में अकबर का जो तीसरा आक्रमण हुआ था उसमें, तो तीसरे साके में चित्तौड़गढ़ में अकबर था, सिवाना के दूसरा साका जो था उसमें भी अकबर के सेनापति, मतलब अकबर ही था लेकिन सेनापति यहाँ पे मोटा था उदय सिंह था, लेकिन दोनों का संबंध अकबर से, ये समझना है। किसका, सिवाना वाले वीर कल्ला जी का, जिनको अपन बोलते हैं रायमलोत कल्ला, है ना, रायमल इनके पिता का नाम है रायमल, है ना, तो रायमलोत कल्ला, ये भी अकबर से लड़ते हुई वीरगति को प्राप्त हुई 1587 में, लेकिन यहाँ अकबर डायरेक्ट नहीं था, अकबर का सेनापति। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखते हैं अपन अकबर ने तीसरा साका 1567 में, उस समय वहां के जो शासक थे, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में शासक तो अलग उदय सिंह, लेकिन जो उन्होंने नेतृत्व किया वो जयमल मेड़तिया और उनके भतीजे कौन, कल्ला जी राठौड़ और फतेह सिसोदिया मेवाड़ से, ऐसे ध्यान रखना है। तो दोनों अलग अलग है, बाकी इनमें जैसे अपन मारवाड़ पढ़ेंगे वहां टेबल बनी हुई है, बाकी आप ध्यान रखना। ठीक है ना, रायमलोत कल्ला जी का थड़ा, ये सिवाना बाड़मेर में है, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं अपन महल में, क्योंकि राजस्थान का दूसरा ताजमहल है, दूसरा, तो पहला कौन सा हो गया, पहला तो जसवंत थड़ा सरदार सिंह ने बनाया अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद के अंदर, ठीक है ना, वो तो राजस्थान का पहला ताजमहल है, और जसवंत थड़ा मेहरानगढ़ अपने जोधपुर, और दूसरा जो ताजमहल है वो ये अपने रायमलोत का थड़ा है, कहाँ, सिवाना बाड़मेर में। और राजस्थान का जो छोटा ताजमहल है वो अबलीमेणी का महल है दर्रा कोटा के अंदर, अभी पढ़ेंगे अपन जब K4 कोटा आएगा JK, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। राजस्थान का ताजमहल अपने जसवंत थड़ा, राजस्थान का दूसरा ताजमहल, दूसरा ताजमहल क्या हो जाएगा, दूसरा ताजमहल ये हो गया अपने सिवाना बाड़मेर, ठीक है ना, रायमलोत का थड़ा, और राजस्थान का छोटा ताजमहल अबलीमेणी का महल, ठीक है ना। कई बार क्या है, जैसे क्वेश्चन यू आया हुआ कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल, उसमें ये रायमलोत का थड़ा सिवाना बाड़मेर ऑप्शन में नहीं होता, अबलीमेणी का महल ऑप्शन में रहता है, तो ये हो गया, दोनों ऑप्शन में हो तो ये है, कौन सा, रायमलोत का थड़ा अपने सिवाना बाड़मेर, राजस्थान का दूसरा ताजमहल, और अबलीमेणी वाला वो छोटा ताजमहल कहलाता है, ऐसे याद रखनी अपने को। ठीक है, सिवाना के दूसरे साके 1587 में शहीद हुए थे, मैंने बताया अभी, दुश्मन कौन, मोटा राजा उदय सिंह, ये मतलब ये ताऊजी है ना, मोटा राजा उदय सिंह जो है ना ये ताऊजी लगते थे। ताऊजी कैसे, देखो बताता हूँ, अकबर के सेनापति थे मोटा राजा उदय सिंह, और भाई थे इनके चंद्रसेन, उदय सिंह व रायमलोत, ये तीनों भाई थे, मतलब पिताजी और ये तो ताऊजी है ना। यहाँ नीचे देखो, यहाँ नीचे ये पेरेंट ट्री देखो, इसमें समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ ये ऐसा कैसा बना लेना ना, इस पेरेंट ट्री में देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो मालदेव, ठीक है ना, ये मालदेव वही है 1535 से 62 इनका काल है, 32 से 62, ये वही है जिन्होंने 1544 के अंदर शेरशाह सूरी से, मतलब शेरशाह सूरी से
गिरी सामेल का, बैटल ऑफ गिरी सामेल, जीएसबी गिरी सामेल का युद्ध लड़ा था, ठीक है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, सेठ ससुर ने बोला था अपनी हार को छुपाने के लिए। एक तो चीज ये हो गई, जैतन गोपा मालदेव के सेनापति, ये तो आप जानते हो। फिर मालदेव के तीन बेटे, एक दो तीन, चंद्रसेन, उदय सिंह एंड रायमल, ठीक है, और रायमल के बेटे थे रायमलोत कल्ला, ओके, ऐसे अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखो चंद्रसेन क्या थे, ये एंटी अकबर लिखा हुआ, अकबर के दिन तब बिल्कुल स्वीकार नहीं करी। ये तीनों कहां प्रेजेंट थे, ये तीनों प्रेजेंट थे अपने 1570 में जो नागौर दरबार हुआ वहां प्रेजेंट थे। तो चंद्रसेन तो अकबर के बिल्कुल एंटी हो गए, ठीक है ना। उदय सिंह जो थे ये बिल्कुल समर्थक हो गए, ठीक है ना, ऐसे। और अपनी बेटी का विवाह जहांगीर से किया, ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह, जिनकी बेटी वही जोधा भाई, जोधपुर की भाई जोधा भाई, इनका विवाह किसके साथ किया, अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ, सलीम के साथ, मोटा राजा उदय सिंह ने, मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। ये मोटा राजा उदय सिंह, फिर तीसरे जो इनके भाई थे ये रायमल, ठीक है ना, रायमल, और रायमल, रायमल ये क्या था, ये भी अकबर के समर्थक थे। तो तीन भाई हो गए मालदेव के, मतलब तीन बेटे हो गए जो तीनों आपस में भाई हो गए। तीन बेटे कौन मालदेव के, चंद्रसेन, उदय सिंह और अपने रायमलोत। तो एक तो अकबर के एंटी हो गया, अकबर के एंटी होने वाला कौन, चंद्रसेन, और एक तो अकबर के एंटी हो गया चंद्रसेन, और दो अकबर के समर्थक हो गए, उदय सिंह एंड अपने रायमलोत, ठीक है ना। अब रायमलोत के बेटे थे रायमलोत कल्ला, है ना, रायमल, 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 रायमल के बेटे का नाम रायमलोत कल्ला। तो रायमल क्या आ रहा है, ये पिताजी का नाम ही आ रहा है रायमल, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। और रायमलोत कल्ला राठौड़ भी बोल दो, कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये अपने कहां से थे, बीकानेर, और ये बीकानेर क्या मतलब मारवाड़ से थे भाई, मारवाड़ के ही है सारे, जोधपुर देख लो, जैसलमेर देख लो, बीकानेर देख लो, बाड़मेर देख लो, नागौर देख लो, सारा मारवाड़ ही ऐसे, लेकिन ये कहां से थे अपने, बाड़मेर से। एक्चुअली इनके भाई को रायमल जी जो है, मतलब भाई क्या मतलब पिताजी जो थे, इनको जागीर मिली हुई थी किसकी, सिवाना की, ऐसे है। तो ये सिवाना के जागीरदार थे, पिताजी भी रायमल भी और बेटे जी रायमलोत कल्ला भी, ओके। फिर एंटी अकबर थे, एक्चुअली क्या था ये, वैसे लंबी छोटी कहानी जुड़ी हुई वो तो अपन मारवाड़ के अंदर देख लेंगे, लेकिन ये शुरू से अकबर के एंटी नहीं थे, ठीक है ना, अकबर के समर्थक थे। लेकिन क्या हुआ, सुरजन राय हाड़ा की बेटी की, जैसे आगरा के अंदर दरबार चल रहा था, तो सुरजन राय हाड़ा जो अपने रणथंभौर के शासक थे, बूंदी रणथंभौर के, ठीक है ना, तो उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर ने उनको मनसब भी दिया 5000 का और सरभुंद राय की उपाधि भी दी। लेकिन जब सुरजन राय हाड़ा से बोला अकबर ने कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे पुत्र जहांगीर के साथ करो, तो सुरजन राय हाड़ा थोड़ा सकपका गए और हड़बड़ाहट में सुरजन राय हाड़ा ने बोल दिया कि नहीं नहीं मैं मेरी बेटी की सगाई पहले ही कर चुका हूँ, किससे, रायमलोत कल्ला से, रायमलोत कल्ला भी वहीं बैठे हुए थे। तो रायमलोत कल्ला ने भी बोल दिया हाँ 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 जी अभी कुछ दिन पहले हुई है सगाई, ठीक है ना, ऐसे। लेकिन अकबर फिर वो समझ गया था कि कैसे ये मेरे से ईर्ष्या रखने के कारण ये इस तरह से ये वैवाहिक संबंध नहीं हो पाया। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि अकबर क्या बोलते हैं कि अकबर रायमलोत को देते हैं निमंत्रण, क्या निमंत्रण देते हैं कि तुम अपनी बहन की शादी जहांगीर के साथ कर दो, ठीक है ना। तो वो रायमलोत को पसंद नहीं आया, ठीक, एक बार तो हाँ कर दी, फिर जब बारात आई तो उसे वापस भगा दिया रायमलोत कल्ला ने, सब वापस चले जाओ भैया, तुम कह देना तुम्हारे पिताजी, मतलब जहांगीर को बोला तुम्हारे पिताजी अकबर को, कह देना कि मना कर दिया शादी करने से रायमलोत कल्ला ने अपनी बहन की, किससे, जहांगीर के साथ में। तो अकबर को ये पसंद नहीं आया और फिर इसी कारण हुआ तीसरा साका, ठीक है ना, मतलब तीसरा का दूसरा साका अपने सिवाना के अंदर 1587 में, 87 से 89 पूरा उसका टेन्योर है, पूरा एपिसोड जो है, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना, मृत्यु हो गई 1587 में सिवाना का, दूसरा साका, दूसरा साका हुई सिवाना के अंदर। दुश्मन कौन था, ताऊजी उदय सिंह, ये ताऊजी उदय सिंह, उदय सिंह क्यों दुश्मन क्यों, क्योंकि ये तो अकबर का समर्थक था और ये अपनी बेटी जो थे जोधा भाई उनकी शादी कर चुका था सलीम के साथ मोटा उदय सिंह, और ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपनी बहन की शादी किसकी, अपनी बहन की शादी सलीम से नहीं करना चाहते थे जहांगीर से, तो ये अकबर को पसंद नहीं आया और 1587 के अंदर हुआ दूसरा साका। तो दुश्मन ताऊजी ये मोटा राजा उदय सिंह, अकबर देखो क्या लिखा हुआ, अकबर जहांगीर का विवाह राय मलोत कल्ला की बहन से करना चाहता था, बहन है ना, बेटी नहीं, बहन से करना चाहता था, बेटी तो ये है, उदय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह किया था जहांगीर के साथ। अकबर ने प्रपोजल दिया था राय मलोत कल्ला को कि तुम अपनी बहन की शादी जहांगीर के साथ कर दो, तो उदय सिंह ने तो अपनी बेटी की शादी करी थी जहांगीर के साथ जिनका नाम था जोधा भाई, और यहां थी बात बहन की, लेकिन रायमलोत कल्ला ने नहीं करी, ठीक है ना, नहीं करी और फिर एंटी हो गए। तो फिर इनको समझाने के लिए, मतलब जैसे फिर जहांगीर की जैसे बारात भी आई लेकिन उन्होंने लौटा दी, तो इनको समझाने के लिए कौन आए, रायमलोत कल्ला को समझाने के लिए कौन आए, पृथ्वीराज राठौड़, वही विली कृष्ण रुक्मणी ढिंगल का हिरास गागरोन पृथ्वीराज राठौड़, क्योंकि वो पृथ्वीराज राठौड़ गागरोन दिया किसने था, अकबर ने दिया था, ऐसे रायसिंह बीकानेरी के भाई।
तो अकबर ने उनको भेजा कि जाए एक बार समझा दे उसको, ठीक है ना। तो राय सिंह बीकानेरी थी, सॉरी पृथ्वीराज राठौड़ आए समझाने वीर कल्ला जी, रायमल कालो रायमल आपने सॉरी रायमल उत्कल्ला जी को समझाने के लिए आए। तो समझा दिया सब कि यार ऐसे थोड़ी तरह बारात भी आई और तुमने वापस लौटा दी सब फलाना टीम का ऐसे। तो रायमल जी ने बोला कि अब हो गया जो हो गया और मैं तो नहीं करूंगा मेरी बहन की शादी किसी भी हाल में। तो पृथ्वीराज राठौड़ भी फेल हो गए समझाने के अंदर। तो रायमल उत्कल्ला जी ने बोला कि तुम समझाने के तो रहे तो तुम मेरी प्रशंसा में क्या लिख दो, तुम मेरी प्रशंसा में ये मीरसी ये लिख दो, है ना। तो वैसे वो कवि तो थे पृथ्वीराज राठौड़, वेली कृष्ण रुक्मणी लिखा ही उन्होंने कालजी ग्रंथ और अपने डिंगल का हिरास बोलते ही उनको एलपीटी स्टोरी ने बोला। तो तुम मेरी प्रशंसा में मीरसी लिख दो। मीरसी का होता है किसी बहादुर योद्धा के शौर्य के शौर्य का यशोगान के लिए जो दोहे लिखे जाते हैं उनको मीरसी बोलते हैं, लेकिन वो मृत्यु के बाद लिखे जाते हैं। मृत्यु के बाद इसलिए कि पहले लेखक सुने तो सही ना या देखे तो सही ना कि कैसे कैसे तुम लड़े, तो तुम तो अभी लड़े ही नहीं है नहीं। तो लेकिन रायमल उत्कल्ला जी ने बोला कि तुम जानते हो मेरे जब मैं इतना ही बगावत कर दिया तो मैं थोड़ी रुकूंगा। तो इन्होंने जिंदा रहते हुए अपने मीरसी सुन लिए थे कि मेरे लिए मेरे यशोगान मेरे शौर्य का कैसे यशोगान होगा मेरे जाने के बाद, ऐसे है। तो मीरसी लिखे किसने, पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसके लिखे, रायमल उत्कल्ला। पृथ्वीराज राठौड़ कौन, अपने गागरौन के शासक। तो देखो अकबर से रिलेटेड कितने व्यक्ति यहां अपन ने देख लिए, मोटा राजा उदय सिंह जो अकबर के समर्थक है वो नाम गिना रहे, पहले तो मोटा राजा उदय सिंह और दूसरे गागरौन के शासक पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है। फिर अकबर का जो एंटी हुआ वो रायमल उत्कल्ला, ऐसे ठीक है। मीरसी वीरता पे लिखे गए दोहे जिंदा रहते हुए लिखवाए इन्होंने, और लेखक कौन था, पृथ्वीराज राठौड़ गागरौन का शासक जिसको अपन डिंगल का हिरास बोलते हैं, समझ गए। तो ऐसे ये है अपने क्या रायमल उत्कल्ला का थड़ा। वैसे तो ये अपन मारवाड़ जब पढ़ेंगे ना वहां डीप में और आएगा, लेकिन यहां जैसे अपन ने थोड़ा सा देखा तो कोई इशू नहीं है ये, ठीक है ना। और लेकिन नीचे लिख लेना आप, मैंने ये कल्ला जी राठौड़ से अलग है, चार हाथ के लोक देवता से, वो मत कर देना इनको। तो ये अपन ये क्यों यहां सीन के अंदर आए, ये सीन के अंदर इसलिए आए क्योंकि रायमल का थड़ा जो है ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा है दूसरे ताजमहल के रूप में, है ना। थड़ा का मतलब होता है इनकी एक तरह से इनकी प्रशंसा में बनी हुई छोटी महल, ऐसे ओके ये चीज है। तो अपन ने राजस्थान का दूसरा ताजमहल देख लिया, रायमल उत्कल्ला, है ना, रायमल उत्कल्ला राठौड़ लिख लो, एक ही चीज है, समझ गए, ऐसे अपन को ध्यान में रखना। तो ये था अपने बाड़मेर के अंदर राजस्थान का दूसरा ताजमहल। अब बूंदी के अंदर आएंगे तीन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली है क्या, जैसे अपन देखेंगे बूंदी को वैसे तो कहते तो बावड़ियों का नगर है, लेकिन चित्रकला के अंदर ही काफी डोमिनेंट रहा है। तो इनका जो महलों का संबंध है यहाँ पे ज्यादातर उनका संबंध है भित्ति चित्र से, भित्ति चित्र मतलब फ्रेस्को पेंटिंग्स दीवार पे जो करी हुई है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सुख महल, है ना, तीन आएंगे, सुख महल, रंग महल और एक रंगशाला, रंगशाला या चित्रशाला, है ना। तो पहले देखो मैं आपको एक क्ल्यू बता देता हूँ, उससे याद रखना अपन को, सुख महल है ना, इसके ब्रैकेट में लिख दो सुख बराबर, ब्रैकेट में लिख दो सुख बराबर भाई सुख डैश करके विष्णु। तो जैसे अपन ने विष्णु जी की आपने फोटो तो देखी होगी शेषनाग के मतलब से यहाँ पे लेटे हुए आराम से, बिल्कुल आराम से विष्णु जी की हमेशा ऐसी आती है तस्वीर। तो सुख में कौन लेटे हुए हैं, विष्णु जी लेटे हुए हैं, ऐसे ध्यान रखना अपन को, ठीक है ना। तीनों के मैं आपको क्लू बता दूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, सुमेलित में आता है, ऐसे कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है, ये शासक कौन था निर्माण करने वाला। तो तीनों को पहले एक बार आप क्लू समझ लो फिर बहुत अच्छे याद हो जाएंगे। तो क्या है, सबसे पहले तो सुख, सुख में कौन लेटे हुए हैं, विष्णु जी लेटे हुए हैं, तो विष्णु सिंह इसका निर्माता है। दूसरा है अपने रंग महल, तो देखो महल दुर्ग महल जितने भी होते थे ये तो दुश्मन पे, दुश्मन की हमेशा नजर रहती थी इनके ऊपर, है कि नहीं है, कि कब इनको उड़ाए कब उड़ाए, शत्रु की हमेशा नजर रहती थी इनके ऊपर कब इनको उड़ाए महलों को। तो रंग महल जो है ना, रंग महल, महल आ गया, रंग क्या आ गया, महल आ गया, तो महल पे दुश्मन की नजर है ना, तो दुश्मन का शत्रु, तो शत्रुसाल या छत्रसाल, ठीक है। तो रंग महल का निर्माता हुआ है, ठीक है। फिर आएगी शाला, शाला रंगशाला, शाला तो जैसे पाठशाला होती है, जैसे ये भी अपनी पाठशाला ही चल रही है और क्या, कोई मजाक थोड़ी है कोई, है कि नहीं। तो शाला, शाला का मतलब पाठशाला, ठीक है। तो पाठशाला में अपन कोई जाते हैं, जैसे मान लो आप ये वीडियो सुन रहे हो तो कुछ उम्मीद से सुन रहे हो ना, है कि नहीं है, कि उम्मीद, उम्मीद है कि नहीं है कि हाँ ये सुनने के बाद, ये वाला वीडियो देखने के बाद मेरे बाड़मेर बूंदी से संबंधित जितने भी महल संबंधी क्वेश्चन है वो सही होंगे, मेरे को समझ में आ जाएगा टॉपिक, ठीक है ना। ये तो उम्मीद है आपको, शाला में आ रहे हैं, पहले गए स्कूल में, अब ये ऑनलाइन शाला के अंदर हैं, तो कुछ उम्मीद से बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं आप। मैं भी कुछ उम्मीद से पढ़ा रहा हूं आपको, आप भी कुछ उम्मीद से सुन रहे हो मेरे को, है कि नहीं है। तो उम्मीद रहती है, तो उम्मीद से उम्मीद है,
उमेद सिंह शाला, ठीक है ऐसे। तो सुख महल सुख से क्या, विष्णु जी, ठीक है। फिर दूसरा है अपने रंग महल, तो महल के तो कौन शत्रु होते हैं, शत्रुसाल छत्रसाल। और फिर है रंग शाला, शाला शाला मतलब पाठशाला, तो उसमें उम्मीद होती है अपन पाठशाला, स्कूल किस उम्मीद से गए, वीडियो किस उम्मीद से सुना, तो उम्मीद से हो गया उम्मीद से, ऐसे याद रखने थे, ठीक है। तो सुख महल निर्माता विष्णु सिंह 1773 वर्ष, याद कुछ मत रखो, वो तो एक जस्ट नोटिफिकेशन के लिए रेफरेंस के लिए काम आता है कभी बाद में, लेकिन निर्माता याद रखना है विष्णु सिंह। तालाब कौन सा है, जैत सागर तालाब के पास, जैत सागर तालाब बूंदी में ही, अपन जब बावड़े देखेंगे तब आएगा बताऊंगा। सुख मंदिर है ना, ये आमेर महल के अंदर है सुख मंदिर, ठीक है। ये इसी तरह से कंफ्यूजन फैलता है इनके अंदर, ठीक है ना। तो सुख महल देखना अपन को बूंदी के अंदर, सुख मंदिर आमेर महल के अंदर, मिर्जा रजामान सिंह, ठीक है ना, ऐसे। तो बूंदी के अंदर जैसे आए तो क्या है, सुख महल है और सुख विष्णु सिंह 1773, ठीक है, जैत सागर तालाब के पास, समझ गए इतनी चीज। और सुख मंदिर आमेर महल, पहली चीज तो होगी। फिर आ रहा है रंग महल, रंग आ गया, तो रंग महल के कौन है भाई, रंग महल और रंग शाला, इन दोनों के अंदर देखो रंग रंग कॉमन है, महल और शाला का ही फर्क है, ऐसे है। इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं, ब्यूटी यही है इस क्वेश्चन की, समझ गए भाई। सुख मंदिर और सुख महल, सुख महल तो अपने विष्णु सिंह और सुख मंदिर आमेर के अंदर। और अब आ रही बात रंग महल की, तो रंग महल का निर्माता कौन, महल के दुश्मन शत्रु, शत्रुसाल, ऐसे, ठीक है। पहले तो ये दुर्ग तारागढ़ दुर्ग बूंदी के अंदर है, निर्माता कौन है, शत्रुसाल या छत्रसाल, ये इनका काल है 1631-58 और दारा सिखों के समर्थक थे ये शत्रुसाल, ठीक है। शत्रुसाल या छत्रसाल, तो अपन जैसे पढ़ते हैं बूंदी का इतिहास उसमें पढ़ते हैं, यहाँ उससे मतलब नहीं, मैंने लिख रखा है कि मैंने वहां बता रखा था, दारा सिखों समर्थक से ऐसे, शत्रुसाल से ऐसे, सिखो दारा सिखो ऐसे, तो याद हो जाए थोड़ा। तो रंग महल प्रसिद्ध किस लिए, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये, क्या रंग महल बहुत पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बहुत पूछा जाता है ये रंग महल, रंग महल और रंगशाला, क्योंकि देख लो 19-20 का फर्क नहीं है, 1950 और 1920 का फर्क है, ऐसे, ठीक है, यूं है। तो रंग महल इज शत्रुसाल, अब अपन देख रहे हैं रंगशाला, ठीक है। रंगशाला, रंगशाला क्या, रंगशाला को अपन चित्रशाला भी बोलेंगे, और शाला में क्या होती है, उम्मीद होती है, उम्मीद से उम्मीद। दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग के अंदर है, प्रसिद्धि किस लिए, भित्ति चित्रों का स्वर्ग बोला जाता है भाई, रंग महल तो ये तो प्रसिद्ध है और ये स्वर्ग बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके निर्माता कौन है, इसके निर्माता उमेद सिंह है और जिनका काल ये है, और ये काल ज्यादा बूंदी चित्र शैली का स्वर्ण काल था ये उमेद सिंह का, इसलिए ये ज्यादा फेमस है, क्या रंगशाला उमेद सिंह। बूंदी चित्र शैली अपन देखेंगे, टॉपिक आएगा थोड़े दिनों बाद, तो उसमें अपन देखेंगे ये, ठीक है। तो उमेद सिंह का स्वर्ण काल था इसलिए इसको स्वर्ग बोलते हैं, किसको, रंगशाला को, तो पाठशाला स्वर्ग हो गई। आप और मैं भी तो अभी स्वर्ग का ही आनंद ले रहे हैं, जो अनुभूति का है, अतुल्य अनुभूति शाला के अंदर, ऐसे पाठशाला के अंदर ये शाला हमेशा याद रहती है हमेशा, क्योंकि इससे लाइफ एनरिच होती है, कुछ क्वालिटी जुड़ रही है इसलिए याद रहती है, ठीक है ना। तो शाला स्वर्ग हो गई ऐसे, और रंग महल शत्रुसाल, और सुख मंदिर आमेर, और सुख महल अपने बूंदी के अंदर, और उसके निर्माता विष्णु सिंह, ठीक है। और फिर एक फूल सागर और है, फूल सागर, ये बस ये नॉर्मल है, इसमें कोई नहीं, फूल सागर अपने बूंदी के अंदर, फूल सागर बूंदी, ठीक है, ऐसे फूल बूंद बूंद से माला बढ़ती, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ऐसे बूंद बूंद से फूल, फूल से बूंदने से माला बनती है, ऐसे तो फूल सागर बूंदी, फूल रूपी बूंदी से माला बनेगी, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है, ये चारों हो गए, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस मैं एक बार रिविजन कराता हूँ आपको, कैसे याद रहेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं सुख महल, सबसे पहले देखा सुख महल, निर्माता विष्णु सिंह, सुख में विष्णु, दूसरे हैं सुख मंदिर आ रहा है आमेर महल, दूसरा है रंग महल, ठीक है, और एक है रंगशाला, तो महल के दुश्मन होते हैं शत्रुसाल, शत्रु होते हैं दुश्मन शत्रु, ठीक है। और रंगशाला में क्या होती है, शाला के अंदर क्या होती है, उम्मीद होती है अपने को, शाला में उम्मीद होती है, और महल के शत्रु होते हैं, ठीक है ना, महल के तो शत्रु हो गए और शाला में उम्मीद होती है, और सुख में क्या है, सुख में विष्णु है, ऐसे है, सुख में विष्णु जी लेटे हुए ऐसे, और फूल सागर ये बहुत इंपॉर्टेंट है बूंदी, ठीक है ना। तो रंगशाला दिमाग लगाओ थोड़ा सा, रंगशाला शाला आ गई तो उमेद सिंह, रंग महल शत्रुसाल, ऐसे उस क्लू से फिट होएगा, एल्स इम्पॉसिबल है, ट्राई करके देख लेना। बूंदी हो गया, अब अपन देखते हैं चित्तौड़ और डूंगरपुर, ठीक है। चित्तौड़ के अंदर दो नॉर्मल है, कोई ऐसा कोई ज्यादा नहीं है, एक तो खातर महल चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, और एक फतेह प्रकाश महल, दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। वैसे चित्तौड़गढ़ के अंदर और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट महल थे, ये अपन सारा जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा था तो वहां सारा डिटेल में देख लिया था, तो इसलिए यहाँ ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं, खातर महल और फतेह प्रकाश महल। फिर नेक्स्ट देखते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डूंगरपुर, डूंगरपुर काफी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। इसमें देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सर मैं नीचे लिखा होगा, हाँ यहाँ लिखा होगा, देखो इसको अपन इतना पढ़ो एक बार, हाँ दिख रहा दोनों टॉपिक चल रहा है डूंगरपुर, ठीक है। तो डूंगरपुर में जो है ना वो तो है एक थंबिया, अभी क्या अपन ने जोधपुर मैंने पढ़ा पढ़ाया नहीं है आपको, महलों के रूप में तब वहां पे आएगा, तब और देखेंगे अपन, ठीक है। तो देखो अभी अपन पढ़ रहे हैं एक थंबिया, थ मैं बी या थंबिया, ये कहाँ है, ये डूंगरपुर में एक थंबिया गैप सागर झील के किनारे है ना, ऑलमोस्ट झील के बीच में। देखो ये तो वैसे दिखा रखा है मैंने अपने, एक थंबिया महल, एक थंबिया का मतलब एक थंबा, थंबा मतलब खंबा, थंबे से बना खंबा, थाम खंबा ऐसे झोपड़ी में लगती थी पहले थाम, जानते हो सारा, ठीक है ना, और अब खंबा। तो महल वैसे तो क्या लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन ये एक खंबे के रूप में महल, तो एक खंबिया ऐसे बोला गया ये, ठीक है ना। तो ये दिख रहा है ऐसे एक खंबिया महल, ये पूरा ऐसे एक खंबा खंबे के रूप में यूं, ठीक है। और ये झील में है, ये देखो ये बीच में दिखाई दे रहा है ना, ये यही है, ठीक है, इसके अंदर की तरफ जैसे है, ठीक है। तो ये झील के अंदर स्थित है, तो ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है ये अपने है, ये जो लिखा हुआ गैप सागर, गैप सागर, ये गैप सागर, भाई जैत सागर तो अपन ने क्या देखा था, विष्णु, विष्णु सिंह देखा था ऊपर, अभी अपन ने क्या था सुखमहल, वो था गैप सागर में, जैत सागर में, ये देखो ये विष्णु सिंह देखा था, ये था जैत सागर, जैत सागर विष्णु सिंह, बूंदी में जैत सागर, और अब है गैप, वो गैप, गैप नहीं लगना चाहिए पढ़ाई में, ये गैप, ये गैप सागर, ठीक है। तो ये भी याद रखना अपन को, ये गैप सागर, ये हो गया डूंगरपुर में पानी दिख रहा है ये ऐसे, तो गैप सागर झील के अंदर स्थित है ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा, ठीक है ऐसे। तो झील आ गई क्या, गैप सागर, और जैत सागर क्या, जैत सागर बूंदी में, और गैप सागर डूंगरपुर में, ठीक है, गैप डूंगरपुर, ठीक है, गैप डूंगरपुर। तो एक थंबिया महल, एक तो ये एक थंबिया महल है, अब देखो दूसरा जो इसके बिल्कुल मिलता जुलता है ना वो है एक थंबा, ये लिखा हुआ ई की मात्रा नहीं है इसमें, थंबा, एक थंबा, ये अपने मंडोर जोधपुर में अजीत सिंह जी ने निर्माण करवाया इसका, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, मैंने क्या बता रहा हूँ, मैं उससे समझाने को, ये तो दोनों फोटो थंबिया की है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो है एक थंबिया थ मैं बी या, है ना, इसमें कैसे लिखा हुआ मैंने, अच्छा वैसे बनाया, तो यूं लिख दो थ मैं बी या ऐसे, एक थंबिया, ठीक है ना, ये तो एक ही चीज है थंबिया थंबिया, और दूसरा है उसको अपन बोला थंबा थ मैं बा थंबा, एक थंबा, एक ही मात्रा नहीं है मतलब इसके अंदर, तो एक तो है एक थंबिया और एक है एक थंबा, ठीक है ऐसे, और क्लियर करें थोड़ा सा, देखो एक तो है जिसमें ई की मात्रा है थंबिया, जैसे यहां लिखा वही लिखता हूं, एक तो है थंबिया, ई की मात्रा आ गई थंबिया, और दूसरा है थंबा, इसमें कैसे लिखा यहां पे, ये लिखा, चलो यूं लिख लो, ये थ मैं बा थंबा, इसमें ई की मात्रा नहीं है। तो थंबिया जो है ना ये तो डूंगरपुर में गैप सागर, ठीक है, और थंबा जो है ये मंडोर जोधपुर में, मंडोर जोधपुर, ठीक है, ऐसे याद रखना अपन को, थंबिया एंड थंबा। तो थंबिया जो है ई ई थ, ये जो ई है, ई जो है वो तो डूंगरपुर में गैप सागर, और नॉर्मल थंबा जो है वो अपने मंडोर जोधपुर में, ऐसे ध्यान, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गहराई। एक थंबिया महल स्थित डूंगरपुर में गैप सागर झील, निर्माता शिव सिंह, ठीक है ऐसे, प्रयोजन किस लिए, अपनी माता ज्ञान देवी के सम्मान में शिव सिंह जी ने इसका निर्माण किया था। मंजिल कितनी है, तीन मंजिल है, जैसे आप देखते हैं एक दो तीन है ना, नीचे वाली नहीं, एक दो और ये ऊपर, ये तीन, नीचे वाली तो क्या होता है भाई, नॉर्मल हो तो ग्राउंड फ्लोर है, मंजिल तो ऊपर चालू होती है, एक दो तीन ऐसे, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर में क्या है, ये नीचे वाली को मंजिल गिना हुआ, मैं आपको बताऊँ, चाहे वो चंद्रमहल हो, चाहे मतलब आप सिटी पैलेस में देखिए चंद्रमहल, चाहे हवा महल हो, वो सारी पहले नीचे गिनती करते हैं, यूं फिर कोई बात नहीं, जैसे मंजिल पूछते भी नहीं था कोई खास, सब ज्यादा मंजिल पूछते हैं वो अपने हवा महल की पूछ जाती है, पांच मंजिल, ठीक है। फिर चारों ओर इसके महल हैं, ठीक है, जैसे ये देख लो आप, ये देखो ये चारों ओर इसके महल है, चारों दिशाओं में महल है। तो महल कौन कौन से हैं, देखो लक्ष्मण उदय विजय और खुमान, लक्ष्मण का उदय हुआ है विजय से, लेकिन खुमान घमंड नहीं आना चाहिए, ऐसे याद रखना आप लोग, ये आते हैं चारों तरफ महल कौन से, तो लक्ष्मण महल उदय महल, लक्ष्मण का उदय हुआ ना राम से भाई, तो उदय हुआ विजय से, उदय हुआ तो लक्ष्मण महल, उदय महल, विजय महल और खुमान महल, ये किसके चारों तरफ है, ये अपने एक थंबिया महल डूंगरपुर जो गैप सागर झील में उसके चारों तरफ है, ठीक है ना। और यहाँ पे मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, तो ये शिव सिंह की निर्माता और शिव जी का मंदिर हो गया, ऐसे ऐसे क्लब कर, और माता ज्ञान देवी के सम्मान में इन्होंने बनाया। एक थंबिया ऐसे बोला, थंबिया ई की बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, ईया थंबिया, ठीक है। और देखते हैं एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में, और एक थंबिया महल डूंगरपुर में, ठीक है ना, ये जो अपन ने ऊपर देखा है ऐसे,
तो इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको अपन ने इतने ठहराव से चीज को देखा है। थम्बिया डूंगरपुर, थम्बा मंडोर, थम्बिया डूंगरपुर, थम्बा मंडोर जोधपुर, ठीक है। थम्बिया, थम्बिया का डूंगरपुर गैपसागर शिव सिंह, और थम्बा मंडोर जोधपुर अजीत सिंह, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन डूंगरपुर में और क्या। एक है जूना महल, ठीक है, जूना महल डूंगरपुर में, और जूनागढ़ बीकानेर में। तो देख लिया, डूंगरपुर में बहुत कुछ संबंध है मारवाड़ से। क्या? जूना महल डूंगरपुर, जूनागढ़ बीकानेर, ठीक है ना, राय बीका सिंह, ठीक है। और ऐसे अपन देखा एक थम्बिया डूंगरपुर, एक थम्बा जोधपुर, मंडोर जोधपुर, ठीक है। तो थम्बे के मामले में जोधपुर से कंपेरिजन है, और जूनागढ़ के मामले में बीकानेर से कंपेरिजन है। किसका? डूंगरपुर का। ऐसे ध्यान रखना, तो एक थम्बिया डूंगरपुर, एक थम्बा मंडोर जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर, और जूना डूंगरपुर। आपने कहा सबसे पहले जूना ही बोलूंगा। चलो, तो जूना महल डूंगरपुर और जूनागढ़ बीकानेर याद आ गया। फिर एक है उदय विलास महल, ये डूंगरपुर में। तो देखो, एक तो ये उदय निवास ये अलग है, और ये उदय विलास महल ये अलग है ना। तो भाई चारों तरफ जो है वो भी उदय ही है। लक्ष्मण उदय विजय, लक्ष्मण निवास, उदय निवास, विजय निवास और खुमान निवास, वो तो एक थम्बिया महल के चारों तरफ है। और यहाँ जो देख रहे हैं ये अपने नीचे महल देखा अपन ने, क्या, उदय विलास महल, ठीक है। लेकिन डूंगरपुर में ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तो एक थम्बिया है और एक जूना महल है। एक थम्बिया ध्यान रखना कहाँ लिंक करा रहे हैं आपको, एक थम्बा से, और जूना महल को लिंक करा रहे हैं अपन जूनागढ़ बीकानेर ऐसे। ओके, ये चीज थी। तो अभी तक अपन ने देखे तीन, देखे क्या देखा, सबसे पहले तो अपन ने बाड़मेर देखा आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो बाड़मेर देखा, किसका, राय मलोत कल्ला का थड़ा, सिवाना बाड़मेर। फिर उसके बाद अपन ने बूंदी में देखे, बूंदी में तीन आए। सबसे पहले तो आया आपने क्या, सुख महल, फिर आया रंग महल, और फिर आई रंगशाला। तो सुख महल से याद आ गया, सुख क्या, याद करो क्यों क्या था, वेरी गुड, विष्णु सिंह 1773, और सागर कौन सा, जैत सागर। फिर दूसरा था रंग महल, है ना। तो रंग महल, तो महल के तो क्या होते हैं, शत्रु होते हैं, शत्रु साल, ठीक है, दर्शकों का समर्थक, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है रंग महल। तीसरा जो, और शत्रु साल का नाम छत्रसाल भी। फिर तीसरा जो रंगशाला, तो शाला से क्या होती है, आपको उम्मीद होती है, तो वो हो गए उम्मेद सिंह, और जिसको अपन बोलते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग, क्योंकि उमेश सिंह का जो कार्यकाल है वो क्या है, स्वर्ण काल है, बूंदी चित्रकला। तीसरा अपन लास्ट में देखा डूंगरपुर, डूंगरपुर में सबसे पहले एक थम्बिया, और एक थम्बिया तो अपने डूंगरपुर गैप सागर झील, निर्माता शिव सिंह, माता ज्ञान कौर की सम्मान में, और चारों तरफ चार महल, लक्ष्मण उदय विजय और अपने खुमान निवास, और एक थम्बा जो है वो मंडोर जोधपुर अजीत सिंह। फिर अपने देखा जूना, तो जूना महल इस डूंगरपुर एंड जूनागढ़ दुर्ग इस बीकानेर, ऐसे याद रखना, ठीक है। और एक नॉर्मल अपन लास्ट देख रहे हैं इसके अंदर उदय, उदय विलास महल डूंगरपुर, और बूंदी वाले में एक रह गया था अपने फूल सागर, है ना, फूल महल सॉरी, फूल महल वो अपने बूंदी में है, और उदय विलास महल अपने, उदय विलास महल अपने डूंगरपुर के अंदर ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये नॉर्मल है, इसके जब अपन क्वेश्चन आएंगे ना तो इसके क्वेश्चन काफी गहरे आते हैं, इसलिए इसको अपने ऐसे देखा थोड़ा डीप में। नेक्स्ट अपन देखेंगे जयपुर के महल, ठीक है, ओके।